और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सह भाजपा नेता अजय दुबे कैमूर के भभुआ शारदा पैलेस में पहुंचे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि राजद के नेता सह डेहरी विधायक फतेह बहादुर के द्वारा सरस्वती माता पर किया गया अभद्र टिप्पणी पर आक्रोश जताते हुए कहा कि राजद के नेताओं का 90 के दशक से ही नक्षत्र खराब है, जिसे पूरा देश जानता है। राजद के नेता कभी कहते हैं कि रामायण जला दो, तो कभी हनुमान चालीसा को गाली देते हैं, जो कि एक निंदनीय बात है। लेकिन अब राजद नेता फतेह बहादुर भी ज्ञान की देवी सरस्वती माता को गाली दे रहे हैं और अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि काफी अशोभनीय है। राजद का जो चरित्र है ये 90 के दशक से ही ये पूरा देश जानता है, बिहार प्रदेश ही नहीं पूरा देश जानता है। कभी राजद के नेता चंद्रशेखर जी कभी कहते हैं कि रामायण को जला दो, कभी हनुमान चालीसा के ऊपर गाली देते हैं, कभी इनके फतेह बहादुर जी जो हैं वो सरस्वती माँ के ऊपर टिप्पणी करते हैं। ये इतने सयाने नहीं हो गए हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता कि वो किसी धर्म के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करें। उनको अगर टिप्पणी करना है तो वो हलाला के ऊपर क्यों नहीं करते, वो टिप्पणी करना है तो वो मदरसा के ऊपर क्यों नहीं बोलते। उनको टिप्पणी करना है तो आप देखेंगे छोटी छोटी सी बच्ची को रेप करके और उसी घर में दफना दिया गया, उसके ऊपर इनके नेता के मुंह में दही क्यों जम जाता है, उसके ऊपर टिप्पणी करें। और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि कल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के घर के बाहर राम मंदिर का जो भव्य उसका उद्घाटन हो रहा है 22 जनवरी के, उसके खिलाफ वहां पोस्टर चिपकाए गए थे। तो ये पूरी की पूरी जो ये सनातन को गाली देने वाली जननी बन चुकी है। और यही नहीं, ये इनके अलायंस जो इंडी अलायंस है जिसको घमंडिया गठबंधन के नाम से पुकारा जा रहा है, इनके सभी नेता कभी एमके